आप देख रहे हैं ARTV चैनल। जियो MS नंबर 102 पॉइंट नंबर 17 जिसे हुकूमत की जानिब से 11 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें स्विगी और जोमैटो पर ऑनलाइन ऑर्डर के बाद घरों तक फूड ले जाने की इजाजत थी, लेकिन पुलिस ने आज ऑनलाइन गिजा ले जाने वाले कई अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अजीब मंजर देखा गया। जोमैटो स्विगी में काम करने वाले अफराद डिलीवरी बॉयज को मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो ये अफराद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से रब्त पैदा किया, जिसके बाद उनकी कामयाब नुमाइंदगी से पुलिस ने तमाम डिलीवरी बॉयज को उनकी गाड़ियां हवाले कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने पुलिस के आला अधिकारियों को हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो ट्वीट करते हुए सवाल किया था कि जब इजाजत दी गई थी तो उन्हें रोका क्यों गया। जोमैटो के लिए हम लिख लेते, हम आपको ऑर्डर भी गिरा, हम ऑर्डर लेके लिख ले, कस्टमर का ऑर्डर लेके लिख ले, बाद यहाँ पे पुलिस वाले रोक लिया हमको, और कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करा तो हमारे को पेनल्टी अलग 200-300 रुपये वो अलग गिरा, और पुलिस वाले बोल रहे कि हमारे पे केस बुक करते, पीटी केस भी बुक करते बोल रहे। अभी सुबह 10 बजे से हम रोके हुए, अभी 2 बज रहे, 2:30 बज रहे, किसी को दिए किसी को नहीं दिए गाड़ी। जोमैटो कंपनी वाले हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, अगर पहले सुबह रहे बोलते लगा कि हमको ऐसा पुलिस वाला कुछ एक्शन है तो हमको निकलते ही नहीं थे घरों के बाहर, हमको क्यों निकलेंगे। अब हमारा घर बोलते सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद की तरफ घर है, हम रोके हैं अफजलगंज के, हम कैसा जाना बोलते, कैसा भी चल जाओ बोलेगा, कोई भी ऑटो पकड़ के क्या, ऑटो नहीं है कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ तो खींच के हमारे PS में डाल दिया, अब जाना कैसा, हमारे को परेशान हो रहे। हम हमारे घर वाले ही फ़ोन कर लेना, अगर इन्फॉर्मेशन देते तो हम घर के बाहर निकलते नहीं थे। इन चुप नाहक पकड़ लिया हमारे, अब सबको पकड़े मानते, हमको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती तो हम क्यों निकलते थे, निकल के हम निकले, यहाँ पे कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे, नहीं कुछ बोल रहे हैं पुलिस वाले भी, कुछ भी नजरअंदाज कर दे रहे बोल रहे। कंपनी से ऑर्डर सारे, अगर कंपनी से ऑर्डर सारे हम नहीं उठाए तो उसका अलग पेनल्टी गिर रहा हमारे को, ये भी हम उल्ला कंपनी की जिम्मेदार हम जिम्मेदार रहेंगे, अगर कैंसिल करे तो भी हमारे को पैसे वो का ऑर्डर में जोमैटो में, इसमें ऑर्डर का क्या करना हमारे को समझ नहीं आ रहा। अभी ला कर बोले कल मॉर्निंग आओ तो आपकी गाड़ी में, मेरे को ऑर्डर मिला यहाँ मेहंदीपट्टनम का दे लियो, ड्रॉप करना है इधर अपने को चांदमार की तरफ ड्रॉप करना है ऑर्डर। अब कस्टमर फोन कर रहा, हम बोले कंपनी को, तो कंपनी का हमारा टीम लीडर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमको फोन आ कर तो किसी का नहीं लगा, मेरा चार मिनट ड्यूरेशन लगता और भाई का कुछ और लगता, लेकिन टीम लीडर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही ना, फोन उठ रहा टीम लीडर से हमारे, हमारे टीम लीडर से रिक्वेस्ट है कि इनका जोमैटो का हमारा सबका टीम का देखिए पुलिस में क्या है, हमारे को चुप ना है, हमारे को पेनल्टी लिख रही, हमारे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन रहती हमारे निकलते नहीं थे घर के बाहर। जोमैटो में ड्रॉप करता हूँ भाई, सुबह 9 बजे से मेरे को यहाँ पर पकड़ लिया, मैं तो फूड डिलीवरी वाला हूँ, सुबह 10 बजे मेरे को यहाँ पर रुका लिए, मैं रोज यही रूट है, अब तक नहीं रुका है मेरे को, आज 10 बजे से रुका लिए, कस्टमर का पार्सल रखा हुआ है, फूड इंटीमेशन तो देना ना, फूड अप्लाई है मेरे पास वो है बता रहा हूँ मैं, 5 दिन बता रहा हूँ तो नहीं छोड़ना मेरे को, कुछ भी बोले तो खाली बिठा के रखती है बस यहाँ पर। सर्कल साहब अंदर बैठ गए जाके। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।